हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड मुकेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे दो बड़े अपडेट्स की, दो ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की जिनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने तैयार कर लिया है और जिनको सरकारी गजट में 18 जून 2019 को आम जनता के लिए पब्लिश कर दिया है। यानी अब आप लोगों से ये सुझाव मांगे हैं इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पे। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आपत्ति है, तो दोस्तों आप इस विषय में नीचे लिखी ईमेल आईडी पर अपने सुझाव और आपत्ति दे सकते हैं एक महीने के अंदर अंदर। ये ईमेल आईडी है दोस्तों संयुक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे परिवहन भवन संसद मार्ग नई दिल्ली की। आपका कोई भी आपत्ति सुझाव इन दोनों ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बारे में अगर हो तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अब जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये दोनों ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्या है, ये दोनों नियम क्या है जो भारत सरकार जल्दी ही मोटर व्हीकल्स रूल्स में करने जा रही है। दोस्तों, पहला जो महत्वपूर्ण अपडेट है जो भारत सरकार करने जा रही है, बहुत जल्दी ये होने वाला है, ये है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को लेकर, यानी कि हैवी लाइसेंस को लेकर। दोस्तों, अभी तक नियम ये था कि अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाना है, यानी कि हैवी लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए कम से कम कक्षा 8 पास होना जरूरी है। यानी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन भारत सरकार ने रखी है वो कक्षा 8 थी। और ये नियम है दोस्तों हमारे केंद्र के मोटर व्हीकल रूल्स के रूल नंबर 8 में। तो दोस्तों, अब जो परिवर्तन भारत सरकार ने इसमें किया है कि वो ये है कि भारत सरकार इस पूरे रूल नंबर 8 को, यानी नियम 8 को समाप्त करने जा रही है। यानी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, कक्षा 8 का जो नियम है वो समाप्त होने वाला है। अब आप कोई भी क्लास उत्तीर्ण है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अनपढ़ हैं तो भी दोस्तों आप अपना ट्रांसपोर्ट लाइसेंस अब बनवा सकेंगे। और ये जैसे ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया है, इसके एक महीने के अंदर जो सुझाव मांगे हैं उसके बाद भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलने वाली है और ये उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है, उन सब ड्राइवरों के लिए खुशखबरी है दोस्तों जो हर प्रकार का मोटर व्हीकल चला लेते हैं वो। लेकिन इस नियम की वजह से, यानी कक्षा 8 उत्तीर्ण न होने के कारण दोस्तों वो अपना ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे। हमारे देश में ऐसे दोस्तों अभी भी लाखों ड्राइवर हैं, लाखों चालक हैं जो कक्षा 8 उत्तीर्ण नहीं है लेकिन हर प्रकार का व्हीकल चला लेते हैं। तो दोस्तों उन ड्राइवरों को अब भारत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है, वो भी अब अपना हैवी लाइसेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवा पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों वो है, भारत सरकार ने जो महत्वपूर्ण अपडेट किया वो है बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में भारत सरकार इस विषय में लगातार प्रयास कर रही है कि निकट भविष्य में उसका प्रयास है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की संख्या को धीरे धीरे कम करके समाप्त कर दिया जाए और टोटल इलेक्ट्रिक वाहन, जो बैटरी से चलने वाले जो वाहन हैं, उन पर आया जाए, पूर्ण रूप से उन पर आया जाए। तो उसी दिशा में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और भारत सरकार ने जो 18 जून 2019 को जो दूसरा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है उसमें जो भारत सरकार का जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स का जो रूल नंबर 81 है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और वो परिवर्तन ये है कि अगर आप कोई भी बैटरी से चलने वाली गाड़ी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अब आपको उसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। आप सब लोगों को मालूम है जब भी आप कोई नया व्हीकल खरीदते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने नाम तो आपको उसका कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। जैसे मोटरसाइकिल के केस में फिलहाल वो 300 रुपये है और आपकी जो लाइट मोटर व्हीकल होती है नॉन ट्रांसपोर्ट यानी आपकी कार है उनके केस में वो 600 रुपये है और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उनके केस में वो 1000 से लेकर 5000 रुपये तक ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको चुकानी होती है। तो अब भारत सरकार ने ये सभी जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस है, चाहे वो आपकी बाइक हो, कार हो, या आपका कॉमर्शियल व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, सभी प्रकार के वाहनों पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को बिल्कुल माफ कर दिया है, शून्य कर दिया है। और ये हाँ, ये ध्यान रखिए कि ये अभी लागू नहीं हुआ है, केवल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार हुआ है। एक महीने के अंदर आपसे सुझाव मांगे हैं, आपत्ति मांगी है, एक महीने के बाद भारत सरकार जल्दी ही इन दोनों नियमों को लागू कर देगी, वो हैवी लाइसेंस को लेकर और जो ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर। ये दोनों
नियम बहुत जल्दी ही लागू होने वाले हैं, तो दोस्तों आप तैयार रहिए। इसी मेरा उद्देश्य यही था आपको बताने का कि आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आपको हैवी लाइसेंस बनवाना है, आप कक्षा 8 उत्तीर्ण नहीं है तो अब आप बनवा पाएंगे, और अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, बैटरी से चलने वाली गाड़ी खरीदनी है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना है, तो अब आपको उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों ये दोनों महत्वपूर्ण अपडेट थे। दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।